संगीत सरिता श्रोताओं, संगीत सरिता में आजकल आप सुन रहे हैं श्रृंखला सितार पर विलायत खानी अंग से राग की पेशकश। प्रस्तुत कर रहे हैं सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित अरविंद पारिख। आज आप सुनेंगे इसकी छठी कड़ी। तबले पर संगत कमालुद्दीन खां की है। कल हमने हमारी बातचीत की आखिर में समझाया था कि विलंबित गत जब शुरू करते हैं मसीद खानी अंग में होवे या उसमें थोड़ी सी तब्दीली करके, तो ताने बजाने से पहले एक हिस्सा होता है बजाने का जिसको हम गतकाम कहेंगे। अब गतकाम अल्फाज कहाँ से आया ये तो मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन बड़ों से सुना है, उस्तादों से सुना है, तो मैं भी उसी को इस्तेमाल करता हूँ। अब गतकाम का मतलब क्या होता है थोड़ा सा समझ लें हम। सबसे पहले हमने चार हिस्सों में बांटा है असल में गतकाम को। अब गत जब बजाएं तब पहला हिस्सा क्या होगा कि गत को ही खूबसूरत करो, जो गत की जो बंदिश है उसी को नए नए तरीके से खूबसूरत तरीके से उसको पेश करो, उसमें थोड़ी सी तब्दीली करो, उसके अंदर कोई सजावट करो, सो जिससे पहला हिस्सा गत को खूबसूरत बनाने में पूरा होगा। एक दफ़ा गत को पूरी स्थाई अंतरे के साथ बजा लिया, उसके बाद जो दूसरा हिस्सा गत काम का है वो मेरे हिसाब से बहलावा का है। बहलावा करते हैं वो बड़े बड़े सितारियों से सुना है हमने, लेकिन मेरा एक सोचना है, मानना है, और ऐसा मैंने अनुभव करके देखा है कि ये बहलावा की जो स्पीड है वो जो आलाप की स्पीड थी उससे कुछ उभरी हुई है, और जो संचारी के अंदर हमने जो स्पीड का इस्तेमाल किया है, आलाप की संचारी की मैं बात कर रहा हूँ, वो स्पीड से बहलावा होता है। तो ये बहलावा करके दूसरा हिस्सा ख़त्म होता है, उसके बाद तीसरा जो हिस्सा आता है उसके अंदर लय, तबले के साथ जो बहलावा है वो बिना लय का होता है, और जब लय पड़ जाती है उसके अंदर तबले के साथ खेल लय का, वो तीसरा हिस्सा में आता है, और वो लय के साथ बोल, राइट हैंड के बोल उसके अंदर हम शामिल कर देते हैं, वो गतकाम का तीसरा हिस्सा होता है। और चौथा हिस्सा में ये जो बोल है उसके साथ छोटी छोटी ताने इंट्रोड्यूस कर दिया, मतलब कि ताने अब बजाने का दरवाज़ा खुल गया। हमने गतकाम के अंदर छोटी छोटी ताने इंट्रोड्यूस कर करके तान की एक तान का दर्शन करवा लिया जैसे कि इस तरीके से, और उसके बाद फिर दूसरे जो एक पूरा डिवीजन जो अलग है जो तानों का उसके अंदर हम चले जाते हैं। इतना समझना ज़रूरी है कि जब हम तीसरा हिस्सा में जब बोलों के साथ बजाते हैं तबले के साथ लय और ताल के साथ, वो दुगन में बजाते हैं। जब ताने जो बजती है ये चौगन में बजती है, और ताकत होवे तो छेगन में बजेगी, लेकिन जहाँ तक गत काम है उसका जो बोल के साथ जो हम बजाते हैं वो दुगन में बजाते हैं, जो लय है उससे डबल स्पीड में हम बजाते हैं। और एक बात समझना कि कई लोग इसको ये हिस्से को गत तोड़े कहते हैं। तो पहला हो गया गत को खूबसूरती, दूसरी बहलावा, तीसरा उसके अंदर बोल और गत तोड़े बजाना, और चौथा गत तोड़े के साथ छोटी छोटी ताने इंट्रोड्यूस करना। ये चार हिस्से में गत काम मैंने अपनी समझ से किया हुआ है। उसमें ऐसा हो सकता है कि कई लोगों को उसमें कोई बाधा होवे तो मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि उसमें जो अच्छाई है वो उस्ताद की है, उसमें जो गलती है वो हमारी है। तो अभी आपको मैं अहिर भैरव की गत में ये गतकाम के जो चार हिस्से हैं वो जितना शॉर्ट में हो सके इतना मैं आपको बजा के सुनाता हूँ। Thank you.
भी इस गत को खूबसूरत बनाओ। अलग तरीके से उसको पेश किया जाए गत को, हर चार मात्रे के बाद थोड़ी सी तब्दीली किए जाए, तो ये पहला हिस्सा होता है। जो दूसरा हिस्सा होता है मैंने बहलावा समझाया था, इस तरीके से बहलावा धीरे धीरे बढ़त करके ऊपर तक हम जाते हैं। तीसरी बात जो हिस्सा है उसके अंदर लय पड़ जाती है, इस तरीके से डेवलप करते हैं, लय के साथ खेलते हैं। लेकिन आपने जो देखा होगा कि ये दुगन में है, जो लय है उससे डबल लय में हम बजाते हैं। अभी ये गत तोड़े कह लीजिए, गत काम का तीसरा हिस्सा कह लीजिए, जैसा भी हम मुनासिब समझें। अब जा कर के चौथा हिस्सा पे हम आते हैं, उसके अंदर छोटी छोटी ताने पड़ती हैं। इस तरीके से बोलों के साथ छोटी छोटी ताने, उसके बाद छोटी सी तिहाइयां बीच में करके हम दरवाजा खोल देते हैं तानों की तरफ जाने का। तो ये तो गत काम की बात हो गई। तो विलंबित गत में इस तरीके से चार हिस्से में गत काम होता है, जो विलायत खान साहब ने एक तरीके से देखिए तो पुराना जो ढंग था उसको एक ढांचा बना, एक स्ट्रक्चर बना करके उसको पेश कर दिया। अब हम ये कहें कि विलायत खान साहब की जो गते विलंबित जो बजती है उसमें और कौन सा हिस्सा है और उन कौन सा पहलू है और कौन सा डायमेंशन है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये गतकाम जितना भी हम पेश करते हैं उसके अंदर
जो बोल मतलब राइट हैंड का काम है वो तो तन तंक से बोलो, जो तबले के बोल, एक जमाने में शायद पखावज के बोल वगैरह लेकर के उसको बनाया, अपनाया और उसको नए नए तरीके से पेश किया। और लेफ्ट हैंड जो हम जानते ही हैं, हर एक तंत्रकार जानता है कि राइट हैंड से ज़्यादातर रिधम बनता है, लेफ्ट हैंड से ज़्यादातर मेलोडी बनती है, और मेलोडी और रिधम का जब मेल होता है तब एक खूबसूरत गाना बजाना हो जाता है। तो ये कहना गलत है कि राइट हैंड से सिर्फ रिधम बनता है, राइट हैंड से रिधम ही बेसिकली बनता है और लेफ्ट हैंड से बेसिकली मेलोडी बनती है। तो गतकाम जब हम करते हैं तो उसके अंदर राइट हैंड जो काम करता है वो तंतंग का काम कर रहा है और लेफ्ट हैंड है वो एक तरीके से देखो तो मेलोडी। अब जहाँ तक मेलोडी की बात है तो हम ये बाद में आपको सुनाने वाले हैं कि हम जितना भी लेफ्ट हैंड का काम कर रहे हैं वो सब गायकी अंग से कर रहे हैं, और इस वजह से इसके अंदर भी जो हम गतकाम कर रहे हैं वो गतकाम में भी गायकी अंग से हम अलग नहीं रह सक रहे हैं। जितना भी मतलब कि गत को खूबसूरत किया उसमें भी गायकी अंग की बातें आ गई, गायकी अंग की मुर्खियाँ आ गई। जब बहलावा किया तो बहलावा के अंदर भी जो मील खींचते हैं हम अलग अलग तरीके से, मुर्खियाँ, डेकोरेटिव एलिमेंट्स जो इंट्रोड्यूस करते हैं वो भी सब गायकी का है। इसी तरीके से जब बोल के साथ बजाते हैं तो लेफ्ट हैंड जो बजाता है वो अगेन गायकी का काम करता है। और जो ताने हैं वो मेरे को कहने की ज़रूरत नहीं है कि वो गले की सब ताने ज़्यादातर हम लोग बजाते हैं। तो ये जो चार अंग से गतकाम आपको समझाया उसमें ये मैंने सोचा कहना ज़रूरी कि वो जितना भी काम हम करते हैं वो ध्यान हमारा वो ही रहता है कि गायकी अंग से अलग ना होए। अब पुराना जो तंतंग है और तंतंग से गायकी अंग की तरफ आ रहे हैं उसका मतलब ये नहीं कि तंतंग को भूल जाए। इस वजह से तंतंग जो है वो राइट हैंड से हम पेश कर रहे हैं और ये गतकाम के अंदर आपने जो बोलों का काम है वो जो एक तरीके से देखो तो राइट हैंड का जो काम है वो तबले का पेशकार से काफ़ी नज़दीक है। और जो तीसरा जो हिस्सा है बोलों का, जो गतोड़े कहेंगे, वो तबले के काफ़ी पेशकार के बोलों की नज़दीक है। शायद ये कहना ज़ात की नहीं होगी कि पुराना लोगों ने जब गतोड़े बनाए तो पेशकार को ध्यान में रखते हुए ये गतोड़े बने होंगे, शायद ऐसा हो सकता है। ये मैं दावा के साथ तो नहीं कह सकता हूँ लेकिन मेरी ऐसी समझ है कि गतोड़े काफ़ी पेशकार के साथ मेल झोल रखते हैं। आज हम यहीं ख़त्म करेंगे, नमस्कार। सितार पर विलायत खानी अंग से राग की पेशकश, इस श्रृंखला की छठी कड़ी अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुत कर रहे थे सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित अरविंद पारिख, तबले पर संगत कमालुद्दीन खां की थी। अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम समाप्त हुआ। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली। Da 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 da